लाइव टीवी एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर, देश विदेश की खबरों के साथ ही आपके समाज और आसपास में हो रही घटनाओं से भी हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर जिसकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम करती है। आज की कुछ खास खबरें आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ पूर्वी राज। बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने रौंदा, ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। स्थानीय थाना इलाके के जमदाहा गांव में शनिवार की सुबह ईदगाह के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्घटना करने वाला वाहन व ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे के 2 घंटे बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने दीदारगंज मार्ग को जाम कर दिया। आधे घंटे बाद पहुंचे एसओ ने स्वजनों और ग्रामीणों को समझा बुझाकर सड़क से हटाया। जानकारी के अनुसार पोरे खुर्द गांव निवासी हवलदार राजभर 40 वर्षीय पुत्र रामदुलारे क्षेत्र के अब्बोपुर में एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करता है। रोज की बात, सुबह करीब 8 बजे वह पेट्रोल पंप पर जा रहा था। गांव से निकलकर जमदाहा ईद गांव के पास पहुंचे थे कि सामने से किसी तेज रफ्तार वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से PHC सोंधी पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मेडिकल के लिए भेज दिया है। सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। उधर हादसे के 2 घंटे बाद पोरई खुर्द के ग्रामीण व स्वजन हादसा करने वाले वाहन व ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमदाहा ईदगाह के पास करीब 10 बजे दीदारगंज खेता सराय मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे उक्त मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पाकर पहुंचे थाना अध्यक्ष युजवेंद्र सिंह ने मैं वाहन व चालक को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीण हटे। लगभग आधे घंटे तक मार्ग अवरुद्ध रहा। जौनपुर से संवाददाता मनीष यादव की रिपोर्ट। खास खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।